यूपी पुलिस सिपाही भर्ती रद्द करके योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा को शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने की सूची दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सूचिताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से नोटिस में लिखा है कि दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को ये निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर लापरवाही बरती गई है उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वहीं योगी सरकार यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को सौंपेगी। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासन ने भर्ती बोर्ड को ये निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी।